कैमरा चालू था क्या? पता नहीं चला, सॉरी गाइस। हाँ तो क्या करने आया था मैं? हाँ, एक मिनट यार, मैं ये टैब बंद कर दूँ यार, ये मैं क्या सुनता रहता हूँ पता नहीं आजकल। हाँ तो आज हम सेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों की सेल आ चुकी है और हमें उसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज बेस्ट बेस्ट डील्स आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि डील्स बहुत सारी हैं यार, और बहुत ही सस्ते में फ़ोन्स मिल रहे हैं, ईयरफोन्स मिल रहे हैं, पावर बैंक तो एक एक रुपये में मिल रहे हैं अगर आपके पास फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप है तो। आज हम बहुत सारे डील्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अमेजोन की डील्स को कवर करेंगे क्योंकि उसमें डील्स कम है तो जल्दी कवर अप हो जाएंगी, और फ्लिपकार्ट की डील्स हम बाद में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm not that happy, you know. Guys, क्या किया यार तुम लोग ने? क्या मजाक किया? तो ये मैं अमेजोन के मेन पेज पे आ गया हूँ, ये मक्खी मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हुए। ये मेन पेज पे मस्त मस्त बैनर्स बना रखे हैं मनमोहक आकर्षित करने के लिए आपको, आकर्षित। तो इस पे जब मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले फोन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है वन प्लस 7T, जो अभी अभी आया है, और ये वन प्लस 7 प्रो और वन प्लस 7 के बीच का फ़ोन है, यानी कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है, ठीक है। इसके अंदर आपको 855 मिलेगा और डिस्प्ले उस्प्ले बहुत मस्त फ़ोन है यार, और ये आपको 38,000 में मिल रहा है, और इसमें भी 1500 आप ऑफ लगा लो तो 38,000 में से 1500 ऑफ लगा के 36,500 का आपको पड़ेगा, और ये ज़बरदस्त डील है। वन प्लस 7T अभी अभी लॉन्च हुआ है, आप इसको ज़रूर से देख सकते हो। नंबर टू, वन प्लस 7 30,000 का मिल रहा है, जब नया आया था तो 32 या 33 का मिल रहा था, अभी आपको 30,000 का मिल रहा है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है, अल्ट्रा फास्ट स्नैपड्रैगन 855 इन लोगों ने लिखा हुआ है, तो वो अल्ट्रा फास्ट है भी। और ये मक्खी फिर से मुझे परेशान कर रही है, क्यों नहीं लोगे भाई? बहुत ही अच्छा फ़ोन है, अगर आपको 30,000 का पड़ रहा है और उसके बाद भी अगर आप 1500 ऑफ लगाओ, 1500 ऑफ मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि SBI के कार्ड पे आपको 10% ऑफ मिल रहा है, और मैं मैक्सिमम डिस्काउंट 1500 लगा के चल रहा हूँ, इसलिए 1500 का डिस्काउंट लगा रहा हूँ। तो वन प्लस 7 स्नैपड्रैगन 855 मस्त फ़ोन, 30,000 माइनस 1500 28,500। अगला फ़ोन जो हमारी लिस्ट में है वो है M10S, मैं रिकमेंड नहीं करता, 9,000 रुपये का फ़ोन है, अभी अभी आया है, लेकिन एज सच कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक 4000 mAh की बैटरी और 15W की फास्ट चार्जिंग है। अब सिर्फ बैटरी के लिए तो आप फ़ोन नहीं लेते ना, एज सच कोई बहुत ही पावरफुल फ़ोन नहीं है। इसके अलावा आपको Honor 10 Lite की डील बताऊंगा आगे, वो ले लो, ज़्यादा बेटर है। M30 नॉट रिकमेंडेड, मत लेना, 10,000 रुपये मिल रहा है, 10,000 रुपये में आपको Redmi Note 7S मिल रहा है, आप वो लो। वन प्लस 7 प्रो भी 49,000 का छोड़ के इन्होंने 45,000 का कर रखा है, उस पर भी 1500 का ऑफ लगाओगे तो 43,500, तो ये बहुत ही अच्छी डील है। वन प्लस 7 प्रो फ्लूइड मक्खन फ़ोन है, आपको पता है उसके बारे में। आईफोन XR आपको 40,000 रुपये में मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको एप्पल 40,000 में मिल रहा है, आईफोन XR जो स्टार्टिंग में आया था वो 65,000 का था और अभी आपको 40,000 में मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी डील है। अगर आपको आईफोन लेना है 40,000 में तो आप आराम से आईफोन XR ले सकते हो, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आईफोन 11 ले लो, वो भी आपको 40,000 में मिल रहा है HDFC के क्रेडिट कार्ड पे, एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे और फ्लिपकार्ट और शायद अमेजोन पे भी। सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 आपको 43,000 का मिल रहा है, जो फ़ोन एक्चुअल में आया था वो 69 के अराउंड का था, और अभी आपको 42,999 मिल रहा है, और इसके थोड़ा बहुत स्पेक्स अगर आपको बताऊँ तो आपको इसमें क्वाड HD+ डिस्प्ले मिलती है, यानी कि 1080p से ऊपर का रेजोल्यूशन है, सुपर एमोलेड तो होनी है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 4000 mAh की बैटरी, और 43,000 में मिलना। तो अब बात ये लें या वन प्लस 7 प्रो लें, तो मैं बोलूँगा वन प्लस 7 प्रो लो, इससे तो बेटर है। नोट 10 अगर आप ले रहे हो तो आप वन प्लस 7 को छोड़ दो, फिलहाल आप वन प्लस 7 प्रो लो, अगर आपके पास 43,000 है तो आप वन प्लस 7 प्रो पे 45 लगा लो, जहाँ तक मुझे लगता है। M30S जो अभी अभी लॉन्च हुआ है वो 14,000 का फ़ोन है, आप चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ी बैटरी है 6000 mAh की, और उसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा मिलता है। फ़ोन ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप सैमसंग ही लेना चाहते हो 14,000 के अराउंड तो आप इसको ले सकते हो, बाकी इसकी जगह पे आप रियलमी 5 प्रो, वो मैं आगे बताता हूँ आपको, धीरे धीरे डील्स अनलॉक करते हैं। वीवो का U10 अभी अभी आया है, अगर आपका बजट है 9,000 के अराउंड तो आप उसको ज़रूर से कंसीडर करो, ये 5000 mAh की बैटरी है, इसमें 18W का फास्ट चार्जिंग भी आपको वीवो देती है, फ़ोन काफ़ी अच्छा ही है, और आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, तो ये फ़ोन अच्छा है। अगर आपको बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए तो आप चले जाओ Xiaomi Mi A3 के साथ में, ये अभी भी 13,000 का मिल रहा है, इसमें पता नहीं क्यों ऑफ नहीं किया गया है, और जो दूसरा वेरियंट है वो आपको 16,000 का मिल रहा है, वैसे वो 17 का है तो उस पर ऑफ किया गया है,
ये 14 का था और अभी आपको 13 का मिल रहा है, ऑफ किया गया, 1000 रुपीज ऑफ किए गए, और इस पर भी 1500 का ऑफ और लगा दो तो 11500 का पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है इन द कैमरा डिपार्टमेंट। मैं फालतू डील्स अब आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको मेन मेन डील्स बताता हूँ जो आपको एक्चुअल में फ़ोन लेने हैं उन्हीं पे जो डील्स है। ऑनर का 8X आपको 10,000 में मिल रहा है और ये बहुत अच्छा फ़ोन है अगर आप 10,000 के अराउंड हो, क्योंकि ये 15,000 के अराउंड पहले बेस्ट फ़ोन था, अभी ये थोड़ा पुराना हो चुका है। बट अगर आपका बजट 10,000 है तो आप इसको ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगली सबसे भयंकर डील पोको मिल रहा है आपको 15,000 के अंदर, और उसमें भी अगर आप 1500 का ऑफ लगा दोगे तो आपको वो पड़ जाएगा 13,500 रुपये का। 13,500 में अगर आपको स्नैपड्रैगन 845 मिल रहा है तो ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, और इसमें भी अगर आपको डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है तो आप इसको ले लो, बहुत ही लाजवाब डिवाइस है ये। बाकी और भी बहुत सारे फ़ोन हैं जैसे कि ये आपका Vivo V17 Pro, Note 9 भी आपको 70,000 का पड़ रहा है, सच कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। Huawei का Mate 20 Pro जो पिछले साल का Huawei का फ्लैगशिप है, वो आपको 50,000 का पड़ रहा है, और इसमें आपको फ्री वॉच मिलेगी GT Fortuner जो Huawei की खुद की वॉच है, वो आपकी 21,000 की है। तो इसकी जो नेटवर्थ होगी ना कि 50,000 में से 21,000 घटा दो क्योंकि आपको वॉच फ्री में मिल रही है, तो ये फ़ोन बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप लेना चाहो तो ले लो, ये लाजवाब फ़ोन है Huawei Mate 20 Pro। हर एक डील का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Amazon का लिंक एफिलिएट है, Flipkart का लिंक ओरिजिनल है। अगर आपका मन है तो Amazon के एफिलिएट से ख़रीदना, मेरे को थोड़ा भला हो जाएगा, वरना आपकी जैसी इच्छा। अब आते हैं Flipkart की बिग बिलियन डेज पे, मस्त विराट कोहली लगा। सबसे पहले इसमें जो बैंक कार्ड्स हैं वो एक्सिस बैंक और ICICI पे आपको मिल रहा है डिस्काउंट। ICICI का क्रेडिट कार्ड लगेगा, एक्सिस बैंक का क्रेडिट और डेबिट दोनों लगेगा, और 10,000 ऑफ है, सेव अप टू 10,000, 10,000 रुपये तक आप बचा सकते हो, यानी कि शायद मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 10,000 जा रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर 10,000 जा रहा है तो आपको भी पता क्या करना है, अगर आप वन प्लस लोगे तो आपको 4,000 बचेगा, अगर आप जितना लो 1,00,000 की चीज़ लोगे तो 10,000 रुपये बचेंगे, अगर ऐसा कह रहे हैं जैसा हुआ तो। रेडमी नोट 7 प्रो बीस्ट फ़ोन, बहुत अच्छा फ़ोन है, ठीक है आपको, लेकिन उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं यार, तो अगर आप रिव्यूज़ वगैरह देख लो और अगर आपको कोई दिक्कत ना लगे तो ही आप लेना, वरना मैं इसको कंसिडर नहीं करता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी इशू आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 464 वाला वेरिएंट आपको 12,000 का मिल रहा है, 664 वाला 14,000 का, और 6128 वाला 15,000 का मिल रहा है। अगला फ़ोन वीवो का Z1 Pro, अगर आपको पंच होल डिस्प्ले चाहिए, ट्रिपल कैमरा मिल रहा है आपको 13,000 रुपये में, स्नैपड्रैगन 712, 5000 mAh की बैटरी है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मेरा कोई फ्रेंड है वो इसको यूज़ कर रहा है तो ये उसको कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। अब अगर आप 10,000 पे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ रियलमी 5, मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें 4 कैमरा का ढोंग किया गया है, बस उसमें कोई लेना देना नहीं है 4 कैमरा से। रेडमी नोट 7S आपको मिल रहा है 464 वाला 10,000 रुपये में, और ये स्नैपड्रैगन 660 के साथ में आता है, ये मोस्ट अफोर्डेबल 48 मेगापिक्सल का फ़ोन है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ना इसमें, इसलिए तो ये 10,000 रुपये में आपको बहुत ही अच्छी डील मिल रही है, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है। अगला फ़ोन Realme 5 मैं रिकमेंड नहीं करता, आप इसके साथ चले जाओ, बाकी Realme 5 जो है वो 9,000 से शुरू होता है, ये भी 9,000 से शुरू होता है इसका बेस वेरिएंट, तो आप चाहो जिस मर्जी के साथ चले जाओ, बाकी मैं नोट 7S के साथ में जाऊँगा। Redmi K20 आपको 20,000 रुपये में मिल रहा है, तो ये डील बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 48+13+8 और 20 की सेल्फी मिलती है, इस फ़ोन में कुछ भी कमी नहीं है आपको पता है ऑलरेडी, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको मिल रहा है 20,000 के अंदर। Realme XT बहुत ही ताबड़तोड़ डिवाइस है, 16,000 के अंदर आपको मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये कैमरा सेंटर का है एक्चुअली, अगर आप ये सोच रहे हो कि Realme X का रिप्लेसमेंट है ये, तो ऐसा नहीं है, ये कैमरा सेंटर का है। Realme X थोड़ा जो है वो फुल व्यू डिस्प्ले और वो पॉपअप कैमरा इन सब के अराउंड इवॉल्व करता है, तो फ़र्क है थोड़ा सा, बाकी काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है। इसमें प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, 712 है ना, तो ये 16,000 के अंदर अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसको लेना चाहो 16,000 के अंदर तो आप इसी को लो, और कोई फ़ोन के पास जाओ ही मत। Realme 5 Pro 13,000 से शुरू हो रहा है, और 13,000 के अंदर आप Vivo के Z1 Pro को छोड़ दो, आप इसको ले लो, ये ज़्यादा बेटर फ़ोन है, Snapdragon 712, और इसमें 3.0 की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, क्वाड कैमरा, तो वो आप अच्छे से जानते हो। अब जो मैंने आपसे कहा था 10,000 के नीचे अगर आपका बजट है, Honor 10 Lite ले लो, जो आपको 8,000 रुपये में मिल रहा है, और ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है, आया पिछले साल था, बट अगर आपका बजट कम है तो आप पुराने फ़ोन ले लो, ज़्यादा बेटर रहोगे। Pixel 3 XL और इन सब पे भी डिस्काउंट आ रखा है, पर ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए अच्छे हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हम में से कौन ऐसा है जो कोर फोटोग्राफर, कोई भी नहीं है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा।
Asus का जो 6Z है जो अभी अभी आया था वो नहीं है पीछे जैसे कैमरा जिसका ऐसे 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 हो क्या था ऐसे जो भी बोलते हैं उसको फ्लिप कैमरा वो आपको 28,000 में मिल रहा है। आप इसके साथ जा सकते हो अगर आपको डिज़ाइन से मतलब है तो, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 30,000 OnePlus 7 पे नहीं लगाना चाहते तो आप इस पे लगा दो 28,000, बिल्कुल कोई कंप्लेंट ही नहीं होगी, बहुत अच्छा फ़ोन है यार ये। और Flipkart की जो डैमेज प्रोटेक्शन है वो आपको 1 रुपये में मिल रही है, तो उसको ज़रूर लेना, उसको मत छोड़ देना भाई मेरे, ठीक है, वो तो आप छोड़ना ही मत। Flipkart की जो प्रोटेक्शन है वो आपको बहुत ही अच्छे सस्ते दाम में मिल रही है, दाम में देखो फालतू में आकर्षित होकर कुछ भी मत ले लेना, कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं और उस आप उसको फालतू में लेते फिर रहे हो तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि डील्स बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आ रखी हैं। अगर आपको चाहिए चीज़ें तो ही लो यार, फालतू में पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये सेल आती रहती हैं। बट BBD का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि BBD जो है, BBD यानी कि बिग बिलियन डेज जो है, वो साल में एक ही बार आती है और ये एक्चुअल में भयंकर डिस्काउंट लेके आती है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट घर पे आ जाए आपको क्या करना है मालूम है, तो मैं बताता हूँ। डील्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चुप हो जा 2 मिनट, डील्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फॉलो सब्सक्राइब, आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन, बाय बाय।